नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक ग्रू में। आज हम चर्चा करेंगे जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है उसके बारे में, क्या कुछ हमारी ड्रीम इलेवन होने वाली है, प्लेइंग इलेवन और दोस्तों टीम न्यूज के बारे में चर्चा करेंगे, और जो लास्ट मैच मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके विनर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ से टीम न्यूज के बारे में। यदि उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। बात करें न्यूजीलैंड के बारे में, न्यूजीलैंड आपके लिए अनचेंज नजर आएगी क्योंकि न्यूजीलैंड दोस्तों लगातार टीम मैच जीतती आ रही है। लेकिन बात करें कॉलिन मुनरो आपके लगातार फैला रहे हैं, लेकिन दोस्तों टीम मैच जीत रही है तो यहाँ से बिगिनिंग कॉम्बिनेशन शायद कोई चेंजेस ना करें। लास्ट मैच में पाकिस्तान की टीम मैच कोई चेंजेस किए थे तो टीम भी मैच जीती दोस्तों, तो शायद पाकिस्तान भी इस मैच में कोई चेंजेस ना करें। और दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम यहाँ से ग्राउंड स्टेटस। आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 227, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर आप यहाँ देख सकते हो 180। लेकिन जो पिछले कुछ मैच यहाँ खेले गए दोस्तों लगभग आपके लिए 290 प्लस का स्कोर देखने को मिला है, तो आपके लिए हाई स्कोरिंग मैच एक बार फिर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ हाइस्ट टोटल आप यहाँ से देख सकते हो 408, वहीं लोएस्ट टोटल आप 70 यहाँ से देख सकते हो। हाइएस्ट चेस के बारे में बात करें 280 यहाँ चेस हुआ है दोस्तों, लोएस्ट डिफेंड भी आप यहाँ से देख सकते हो। दोस्तों चलिए देख लेते हैं यहाँ से हेड टू हेड, दोनों टीमों के बीच 106 मैच खेले गए हैं। इनमें से दोस्तों 48 मैच न्यूजीलैंड ने जीते और 54 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, तो यहाँ से पाकिस्तान थोड़ी सी आगे है दोस्तों न्यूजीलैंड से। भाई वर्ल्ड कप में बात करें, यहाँ भी वर्ल्ड कप में भी आगे 8 मैच खेले गए हैं, न्यूजीलैंड ने 2 मैच जीते, यहाँ से पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं। चलिए हम विनर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो एरन फिंच दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो किसका एरन फिंच आंसर है, नहीं है दोस्तों यहाँ से दीक्षित जी का नहीं है, मुन्ना जी का नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हो आप किसका एरोन फिंच आंसर है, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कल्पना कुमारी जी ने कहा था कि एरोन फिंच आंसर दोस्तों मैन ऑफ द मैच रहेगा, तो ये अपना पेटीएम नंबर दोस्तों मेरे जीमेल आईडी पर शर्मा राजेंद्र 82134 पर सेंड कर दें अपना पेटीएम नंबर, आपके लिए वहाँ कैश बोनस उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था 50 रुपये। और भाई सॉरी चाहूँगा मैं किसके लिए यहाँ से, विकास जी के लिए, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था और अपना पेटीएम नंबर भी उपलब्ध करा दिया जाता, लेकिन ये थोड़े लेट हो गए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से कल्पना जी ने उपलब्ध बताया था कि फिंच मैन ऑफ द मैच बनने वाला है, आपके हार्ड लग रहा है लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही रहा है दोस्तों। तो जो विनर है अपना नंबर शर्मा राजेंद्र 82134 मेल आईडी पर सेंड कर दें, मैं आपके लिए 50 रुपए पेटीएम कैश बोनस वहां से कर दूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो मेरे अभी तक, टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगी जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपके लिए वहां मैं पेटीएम कैश का दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मिल जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट प्लेयर देख लेते हैं यहाँ से, केन विलियमसन दोस्तों 8 मैच में 488 रन बनाए, 122 का एवरेज रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेल के दिए, आप यहाँ से देख सकते हो। और उसकी बात करें मार्टिन गप्टिल 8 मैच में 397 रन इन्होंने बनाए, 66 रन का एवरेज रहा, स्ट्राइक रेट भी इनका काफ़ी शानदार रहा है दोस्तों। वहीं बात करें बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम आप यहां से देख सकते हो 9 मैच में 493 रन, 54 का इनका एवरेज रहा है लगभग 55 का, और 94 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। फखर जमान दोस्तों लास्ट मैच में, फखर जमान और दोस्तों यहां से इनके ओपनर एक और इमामुल हक ने दोनों दोस्तों 44 रन की इनिंग्स खेल के दी थी, ये भी आपके लिए शानदार प्लेयर साबित हो सकते हैं। वहीं लुकी फर्गुसन के बारे में बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हो 8 मैच 19 विकेट, मतलब काफ़ी शानदार गेंदबाजी है। ट्रेंट बोल्ट ने दोस्तों 9 मैच में 17 विकेट लिए हैं, काफ़ी शानदार गेंदबाजी इन्होंने की, लास्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट निकाल के दिए थे। वहीं बात करें मोहम्मद आमिर को आप यहां से देख सकते हो 5 मैच 15 विकेट, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। वहीं बाबर रियाज भी आप देख सकते हो 5 मैच 8 विकेट, मतलब आपके लिए इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि स्मॉल लीग की टीम में लगभग सभी आपके लिए खेलती हुई नजर आ जाएं, क्योंकि कैडेट की आपके लिए इशू आ सकती है। चलिए अब चर्चा कर लें दोस्तों यहाँ से लास्ट प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। फखर जमान आप देख सकते हो दोस्तों इनकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रही लेकिन ठीक ठाक रही है, 44 रन 62 रन यहाँ से 0 रन 36 रन 22 रन, मतलब स्टार्ट तो जिन्हें लगभग हर एक मैच में मिला है। भाई यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों इमामुल हक के बारे में, इमामुल हक का देख सकते हो 44 रन 7 रन 53 रन, मतलब स्टार्ट इन यहाँ से पाकिस्तान के बल्लेबाज को प्रत्येक को स्टार्ट मिला है लेकिन ये उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट अभी तक नहीं कर पाए। भाई बाबर आजम जो कि इनके काफ़ी भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, 69 48 30 63 22 80 115, इनकी यदि 8-10 इनिंग्स में देखी जाए तो एक ही बड़ी इनिंग्स है 115 रन की। भाई मोहम्मद हफीज दोस्तों हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच इनका इतना अच्छा नहीं घटा। सरफराज अहमद आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे लेकिन लास्ट मैच में सरफराज अहमद अपने आप को दोस्तों लगातार डिमोट करते हुए गए थे नीचे। यहाँ से हैरिस सोहेल को पहले भेजा था, इन्होंने 69 रन बनाए थे। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ बात की जाए दोस्तों इनके बॉलरों के बारे में बात की जाए, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके इन्होंने दिया था। यहाँ से सदाब खान ने दोस्तों 3 विकेट चटकाए थे, इमाद वसीम को विकेट नहीं मिला था लेकिन 23 रन बनाए थे, साइना अफरीदी को मौका दिया गया था लास्ट मैच में, इन्होंने 1 विकेट चटकाया था दोस्तों, हसन अली की जगह इन्हें मौका दिया गया था। वहीं बाबर रियाज के बारे में बात करें लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों, 3 विकेट चटकाए उससे पहले 45 रन 1 विकेट उसके पहले 3 विकेट चटकाए। वहीं आमिर इनके लिए इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो रहे हैं क्योंकि हर एक मैच में आपके लिए विकेट निकाल के दे रहे हैं दोस्तों, लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाले उससे पहले 5 निकाले
सबसे पहले दो तीन मतलब आपके लिए ये अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर के बारे में। आप यहाँ देख सकते हो मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो दोनों ही पहले ओवर में आउट हुए थे सेल्टन कॉटरेल की गेंद में, तो ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो वहीं बात करें केन विलियमसन लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, आप यहां से देख सकते हो 148 रन, 106 रन, 79 रन, 40 रन, मतलब आप इन्हें जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप इन्हें न्यूजीलैंड का विराट कोहली कह सकते हो क्योंकि बहुत कंसिस्टेंस है अपनी बल्लेबाजी को लेकर, हर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करके देते हैं। रॉस टेलर दोस्तों काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं, सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं मेरे हिसाब से अभी तक दोस्तों इनकी टीम में, तो 69 रन, 1 रन, उससे पहले 48 रन बनाए, मतलब इन्हें इतना मौका नहीं मिला, जब जब मौका मिला दोस्तों काफ़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेल के दिए। टेम लॉथम दोस्तों इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं बात की जाए जिमी नीसम ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके आपके लिए 48 रन ही बनाए, एक विकेट चटकाए, उसके पहले 8 रन बनाए, 23 रन बनाए दोस्तों, 5 विकेट चटकाए। वहीं कॉलिन डी ग्रैंडहोम भी आपके लिए अच्छा यहाँ से ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और बात करें दोस्तों आपके लिए यहाँ से मिशेल सैडनर लगभग एक मैच एक विकेट हर एक मैच में निकाल के दे रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी लुकी फर्गुसन के बारे में आपके लिए बताया था, तो आप यहाँ से देख सकते हो तीन विकेट दोस्तों, उससे पहले भी 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं, आप जाओ एनी टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट के बारे में, ट्रेंट बोल्ट को दोस्तों पिछले 2 मैचों में विकेट नहीं मिला था लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने शानदार वापसी करके 4 विकेट चटकाए। वहीं मैट हेनरी का भी आप देख सकते हो दोस्तों एक विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, मतलब आपके लिए कुछ अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। आपके लिए ये बहुत मदद करता है दोस्तों यहाँ से ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए काफ़ी मदद करता है, तो आपको एक बार इसको जरूर ध्यान से देखना। चलिए तैयार कर लेते हमारी क्रिक डुअल की टीम। फ्रेंड्स इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना, बहुत शानदार ऐप है दोस्तों। सबसे पहले इसकी क्या खासियत है कि सबसे कम कंपटीशन है, उसके बाद आपके लिए यहां से क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसी प्लेयर को आप टीम में ट्राई कर सकते हो, तो ये दोस्तों इसमें अच्छी बात है। और चलिए हम इसकी टीम तैयार कर लेते हैं, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों, और इसमें सिर्फ आपके लिए 8 प्लेयर खिलाना है। जी हाँ दोस्तों सिर्फ 8 प्लेयर आपके लिए काफी शानदार ऐप साबित हो सकते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज के बारे में बात करें तो आपके लिए सरफराज अहमद और टेम लॉथम दोनों ही नंबर 5 पर बल्लेबाज करते हुए नजर आ जाएंगे, यहाँ से आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ से दोस्तों टेम लॉथम को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो सरफराज को भी टीम में ले सकते हो। भाई फर्स्ट बल्लेबाज के बारे में बात करें केन विलियमसन, बाबर आजम दोनों ही शानदार प्लेयर हैं, केन विलियमसन को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड बल्लेबाज के बारे में बात करें रॉस टेलर दोस्तों, फखर जमान आसिफ अली खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, हैरिस सोहेल आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो दोस्तों मैं यहाँ से फखर जमान को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो रॉस टेलर को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों यहाँ से थर्ड बल्लेबाज के बारे में, कॉलिन मुनरो हैं दोस्तों, मार्टिन गप्टिल हैं, हेनरी निकोलस आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इमाम उलाक आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो आपके लिए तीनों ही शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, ये तीनों ये आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं मार्टिन गप्टिल को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो इन दोनों में से किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑलराउंडर के बारे में बात करें जिमी नीसम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम और मोहम्मद हफीज, सभी शानदार ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ मैं मोहम्मद हफीज के साथ जाना पसंद करूंगा, आप चाहे कॉलिन डी ग्रैंडहोम या दोस्तों यहाँ से जिमी नीसम के ऐसे किसी के साथ भी जा सकते हो। चलिए बात कर दोस्तों यहाँ सेकंड ऑलराउंड, इमाद वसीम अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, मिचेल सैडनर इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, वहीं शुएब मलिक आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, शादाब खान भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, लास्ट मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाल के दिए थे, तो दोस्तों मैं यहाँ से इमाद वसीम को फिलहाल टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो अपने हिसाब से कोई चेंजेस कर सकते हो। फर्स्ट बॉलर मोहम्मद आमिर शानदार ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, दोनों ही लेफ्ट आर्मर, 3 लेफ्ट आर्मर दोस्तों, और लॉकी फर्गुसन चारों ही दोस्तों इंपोर्टेंट बॉलर है, आप चाहो जिस टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ से दोस्तों ट्रेंट बोल्ट के साथ जाना पसंद करूंगा, आप चाहो तो मोहम्मद आमिर या भाबरियाज के साथ भी जा सकते हो। वहीं सेकंड बॉलर के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ से हसन अली आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, साउदी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, यहाँ से साइन अफरीदी और मैट हेनरी, साइन अफरीदी थोड़े से डाउटफुल है लेकिन मेरे हिसाब से खेलते हुए नजर आ जाएंगे क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, तो यहाँ से मैं मैट हेनरी को टीम में ट्राई करूंगा, आप चाहो तो साइन अफरीदी के साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो केन विलियमसन शानदार ऑप्शन हो जाते हैं और मोहम्मद हफीज, आप इनको टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के बारे में बात करते हैं, आपके लिए यहाँ से ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल, आप कोई सा भी जाकर यहाँ से लीग ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहां से देख सकते हो दोस्तों। चलिए तैयार कर लेते हैं हमारे ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करें दोस्तों यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन में टेम लॉथम आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं और सरफराज अहमद दोनों ही आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाज करते हुए नजर आ जाएंगे, सरफराज अहमद थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं लेकिन टेम लॉथम का दोस्तों लगभग फिक्स है कि नंबर 5 पर बल्लेबाज करते हुए नजर आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से टेम लॉथम के साथ जाऊँगा, आप चाहो तो यहाँ से सरफराज अहमद के साथ भी जा सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की, यहाँ से हम डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों कोई भी आपके लिए पेड टीम दे, जी हाँ दोस्तों कोई भी पेड टीम दे तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना क्योंकि किसी को पता नहीं होता कौन प्लेयर चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने देखा दोस्तों जो पेड टीम देते हैं उनके दोस्तों कम से कम 2-2 लाख सब्सक्राइबर देखें, लेकिन जो ईमानदारी दोस्तों टीम बना के देता है आपके लिए बहुत मेहनत करता है, आप उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए काफी मेहनत में कयास करके लाता हूं। सबसे पहले बात करें केन विलियमसन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया बैक टू बैक इन्होंने 100 लगाए हैं, बाबर आजम आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, रॉस टेलर दोस्तों
दोस्तों काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई मार्टिन गप्टिल दोस्तों आपके लिए काफ़ी शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। और उसके अलावा इमाम उलक आपके लिए शानदार ऑप्शन है दोस्तों, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी साबित होंगे आपके लिए। और फखर जमान दोस्तों लास्ट मैच में अच्छा बल्लेबाजी की टच में भी अच्छे दिख रहे थे, थोड़े अटैकिंग बल्लेबाज हैं, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो इन्हें अवॉइड भी कर सकते हो। भाई यहाँ से कॉलिन मुनरो ये भी दोस्तों अटैकिंग बल्लेबाज हैं, आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों। यदि कोई टीम अनएक्सपेक्टेबल चेंजेस करेगी, कॉलिन मुनरो की जगह हेनरी निकोलस को मौका दे सकती है। जो भी दोस्तों इनके बारे में न्यूज आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। भाई बात करें हैरिस सुविल लास्ट मैच में खिलाए गए दोस्तों, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने की थी। यहाँ से दोस्तों चलिए मैं पिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं केन विलियमसन, बाबर आजम, और दोस्तों अभी के लिए मैं यहाँ से पिक करता हूँ मार्टिन गप्टिल को मैं टीम में ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है अब काफ़ी समय से दोस्तों इतनी लंबी इनिंग्स नहीं आई, तो कल के मैच में शायद इनके बल्ले से एक लंबी इनिंग्स आने वाली है। और दोस्तों मैं यहाँ से फखर जमान को टीम में ट्राई करूँगा, और दोस्तों मैं यहाँ से कॉलिन मुनरो को टीम में ट्राई करूँगा। यदि आप यहाँ से मार्टिन गप्टिल की जगह इमाम उलक या रॉस टेलर को लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, आपके लिए पूरे ऑप्शन खुले हैं, क्योंकि 9:30 के डेट में आपके लिए ये तीन प्लेयर में से किसी एक प्लेयर को यहाँ से ले सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, तो ऑलराउंड डिपार्टमेंट जो टॉप टू ऑलराउंडर दोस्तों मैंने यहाँ से पिक करके रखे हैं, यदि आप कॉलिन मुनरो की जगह कॉलिन डी ग्रैंड होम को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, दोनों ही 8:30 के डेट के आपके लिए दोनों ही टीमें ट्राई कर सकते हो। और आपके लिए मैं ग्रैंड लीग की 2 से 3 टीमें ग्रैंड लीग की अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ से ऑप्शंस की बात करें, शुएब मलिक आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इमाद वसीम आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, और मिचेल सैडनर भी आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन जो टॉप टू ऑप्शन है दोस्तों मैं उन दोनों की टीम में ट्राई करूंगा, आप चाहो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। अब यहाँ से चर्चा करें दोस्तों यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट, ट्रेंट बोल्ट मोहम्मद आमिर, जैसा कि मैंने बोला दोनों ही लीडिंग विकेट टेकर बॉलर हैं दोस्तों, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। टिम साउदी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मैट हेनरी दोस्तों आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आपके लिए दे रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों लुकी फर्गूसन आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाब रियाज अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आपके लिए इस मैच में ऑप्शंस की कमी नहीं है, सदाब खान अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें काफ़ी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ से ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद आमिर को टीम में ट्राई करूँगा। यदि आप यहाँ से इन दोनों में से एक किसी को मिस करके यहाँ से मैट कॉलिन फर्गूसन और दोस्तों यहाँ से बाबरी आज को टीम में ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मैं इसी ऑप्शंस के साथ जाना पसंद करूंगा, यहाँ से मैं साइन अफरीदी को टीम में ट्राई करूंगा। आप यहाँ से दोस्तों एक बात देखने लायक है आपके लिए, मैं वो यहाँ से दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों एक बात गौर करने लायक है, यहाँ से मैंने तीनों ही बॉलर लेफ्ट आर्म पेस बॉलर चूज किए हैं दोस्तों, क्योंकि लेफ्ट आर्म दोस्तों इस टूर्नामेंट में अभी तक तो इनका बोल वाला दिखा है, यदि कल नहीं चलते तो वो अपनी ही किस्मत खराब मानी जाएगी। और दोस्तों 2 से 3 कॉम्बिनेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन, सबसे पहले स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्मॉल लीग के लिए यहाँ से मैं सबसे अच्छे ऑप्शन आपके लिए बताऊँ, केन विलियमसन, बाबर आजम, दोनों ही दोस्तों ये शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, और उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आपके लिए मार्टिन गप्टिल यहाँ से शानदार ऑप्शन हो जाता है। चलिए अब चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ से ग्रैंड लीग के बारे में, तो मोहम्मद हफीज शानदार ऑप्शन है, फखर जमान अच्छा ऑप्शन है, और कॉलिन मुनरो, ये तीनों आपके लिए ग्रैंड लीग के अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। ग्रैंड लीग में दोस्तों जैसा कि मैंने आपके बताया था, एक टीम से मत खेलिए, कम से कम 2 से 3 टीमें बनाइएगा यदि आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं दोस्तों, एक टीम से मत खेलिएगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।